जनपद मैनपुरी के घिरौर थाना क्षेत्र पचवरा में दिनांक 9 सितंबर 2019 को देर रात्रि में दलित समुदाय के एक 40 वर्षीय व्यक्ति राजवीर जाटव की कुल्हाड़ी और हसीये से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके मृतक के भाई सियाराम जाटव द्वारा अगले दिन कोतवाली के गांव के ही पंकज पुत्र रमाशंकर मिश्रा, घनश्याम पुत्र हरिशंकर मिश्रा के नाम दर्ज और दो लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें अब परिवार के लोगों का आरोप है कि अपराधी द्वारा खुद को भाजपा मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री का करीब रिश्तेदार बताकर मुकदमा वापस लेने और न लेने पर अन्य लोगों की जान से मारने की धमकी देने और भाजपा मंत्री के दबाव में आकर पुलिस द्वारा अपराधी का बचाव किया जा रहा है, जिसकी जानकारी परिवार के लोगों और बसपा के जिला अध्यक्ष शुभम सिंह द्वारा दी। परिवार को न्याय दिलवाने की मांग की गई है। अभी ये मृतक के भाई हैं, ये अभी कोतवाली से होके आए हैं, घिरौर कोतवाली में, जहाँ की जो जिन्होंने मर्डर किया था वो लोग, उनके परिवार के लोगों को पुलिस ने बिठाया हुआ था। ये लोग बता रहे हैं, अभी जानकारी हुई है कि वहाँ एसओ साहब ने इनको बताया है कि जो मुलजिम हैं वो राम नरेश अग्निहोत्री जी के यहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ से ये प्रेशर आ रहा है कि इन लोगों को छोड़ दीजिए, इनके परिवार जनों को छोड़ दीजिए और किसकी दम है जो हमारे यहाँ से मुलजिमों को छुड़ा के ले जाएगा। और कोई ढिल्लन मिश्रा और हैं, वो आते हैं बार बार यहाँ आके इन लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं आके कि मैं मंत्री जी के घर का आदमी हूँ, परिवार का आदमी हूँ और अगर मेरे साथ नहीं समझौता करते हो, इस मामले को नहीं रफा दफा करते हो, तो जो इनके भाई है कि ये भाई खड़े हैं, भाई खड़े हैं, ये परिवारीजन खड़े हैं, सबको गांव से निकाल देंगे, मारेंगे पीटेंगे और जान से भी मार देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह की बात हो रही है पूरी तरह से शासन और प्रशासन, चूंकि ये मामला सत्ताधारी दल के से जुड़े हुए लोगों का है, इस वजह से पूरी तरह से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जबकि मृतक की आप देखिए किस तरह से नृशंस हत्या हुई है, जिसको कि अगर देख लें हम लोग तो महसूस होगा कि मारने वाले कितने क्रूरतम तरीके से उनको मारा है। तो मैं प्रशासन से, शासन से और मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूं कि ये कैसा जंगल राज है जहां एक दलित को जान से मार दिया जा रहा है और जान से मारने के बाद उनके परिवारीजनों को, उनके घर खानदान के लोगों को ये धमकियाँ दी जा रही हैं। कोई ढिल्लन मिश्रा जी हैं जो अपने आप को कैबिनेट मिनिस्टर राम नरेश अग्निहोत्री जी का रिश्तेदार बताते हैं और ये कहते हैं कि अगर तुमने नहीं समझौता किया, नहीं FIR वापस ली, तो हम जो है तुमको भी मार देंगे। तो शासन प्रशासन और सभी लोगों से ये मेरी अपील है कि इस तरह की जुल्म जाति जो हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और उस इन जो दोषी हैं इन लोगों को सज़ा मिले। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि इस मुहिम में सभी लोग हमारे साथ आएं। धन्यवाद।